हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े गीतकार हमारे बीच में, आज के कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे बीच में, इस मंच के कविता के तीर्थ हमारे बीच में। और पिछले तीन दिनों से बार बार मेरे पास आपका फोन आ रहा था आदरणीय सत्यदेव सा सवितंद्र जी का कि मेरा गला खराब है। बहुत बड़े गीतकार हैं, 54 किताबें जिनकी निकल चुकी है, साहित्य अकादमी लेकर बहुत बड़े बड़े सम्मान इनको मिल चुके हैं। वो गीतकार, वो गीतों का तीर्थ, वो कविता का बेताज बादशाह हमारे बीच में इस मंच पर है। मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ शिद्दत और सम्मान के साथ। मैं चार पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूँ, क्योंकि उनका गला साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जैसा भी है, हाँ, श्रोता आपको सुनना चाहते हैं इतनी देर से, तो जरूर आप अपनी प्रतिनिधि रचना बतौर गीत आप जरूर सुनाएं। मैं उनके सम्मान में चार पंक्तियों से आवाज दे रहा हूँ कि सारी दुनिया को जो अपना मीत लिखता है, हार कर भी जो अपनी जीत लिखता है, वो कोई और नहीं दोस्तों, सत्यदेव सवितंद्र है, जो धड़कनों से गीत लिखता वा, वा, वा। है, जो धड़कनों वा, से वा, गीत वा, लिखता वा। है, उस गीतकार के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। एसडीएम साहब राठौर साहब जो राज्य प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारी हैं और साहित्य संस्कृति और समाज को समझने वाले व्यक्ति हैं, मैं दरअसल जब से मुझे मदन जी महेश्वरी ने कहा था और नवज्योति के संपादक कुमार प्रवीण जी ने कहा था, आदरणीय मुकुल जी गुप्ता ने कहा था, मैं बम्बई से आया और एयरपोर्ट पे उतर करके जब बाहर आ रहा था तो उससे मैं लू के चपेट में आ गया, उस कारण से मेरा गला खराब हो गया। लेकिन मुझे आना ही था क्योंकि ये दायित्व मुझे सौंपा गया था। सबसे पहले तो मैं आभार ज्ञापित करता हूँ इस कार्यक्रम के संचालक सर्वनारायण सुन्नी को, उन्होंने क्रम से एक एक कर हम कवियों को उठाया, भगवान इनको जल्दी से जल्दी उठाए, ताकि क्योंकि अगर ये इस क्रम में अगर हमें नहीं उठाते तो बात नहीं बनती। लेकिन मित्रों, अब ये मंच इतना परिपक्व हो चुका है, एक दायित्व था मदन जी महेश्वरी के प्रति, उन्होंने कहा मैं मेरी धरती पे एक जोरदार कार्यक्रम करना चाहता हूँ और हम सब कवियों ने उसमें अपनी अपनी भूमिका निभाई, और अब आधी से ज़्यादा रात बीत गई है, लेकिन फिर भी मैं श्रद्धेय कप्तान साहब के लिए चार पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। मदन जी आप सुन लो, जिस अखबार से जुड़े हुए हो, कि आज़ादी के सेनानी कप्तान आपकी जय जय हो। वाह, आज़ादी के सेनानी कप्तान आपकी जय जय हो, और सच्ची पत्रकारिता के सम्मान आपकी जय जय हो, श्रीमान आपकी जय जय हो, अभिमान आपकी जय जय हो, आजादी के सेनानी कप्तान आपकी जय जय हो। क्या बात, बहुत बढ़िया। मित्रों, ये एक संयोग है कि आज मैं आपके बीच में आया हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जो आपने भी महसूस किया होगा कि जिस मंच पर कैलाश दान चारण, आकाश नौरंगी, श्रवण दान शून्य, वीरेंद्र लखावत, अब्दुल समद राई और मधुर परियार जैसी सुलझी हुई टीम हो, उसके बाद में कुछ भी कहने के लिए बाकी नहीं रहता है। जो वीरेंद्र जी ने कहा था और कैलाश दान जी ने कहा कि वरिष्ठता का झंझट आदमी को सबसे पीछे ले आता है, मैं तो वरिष्ठता में यूं भी ज़्यादा हूँ, तो अब मारे कहने केवल ने वास्ते कौन ही रह गयो। मैं तो सिर्फ दो शब्द आभार ज्ञापित करनी चाहूँ आदरणीय एसडीएम साहब रे प्रति, अगर ऐड़ा राज्य प्रशासनिक सेवा रा अधिकारी वे तो वह धरती धन्य हो जावे, और आज रानी वाड़ा री धरती धन्य है जब ऐड़ा अधिकारी है जिको आपकी प्रशासनिक क्षमताओं रे साथ साथ लोक संस्कृति और कलाओं रे बारे में भी इतो समय देवे। मैं तो हुक्म खमा आपने बारम्बार धन्यवाद देऊँ, और अब चूंकि बहुत रात हो गई है मित्रों और आपने सारे रस सुन लिए हैं, मैं तो चार पंक्तियाँ स्वागत मैं आपने पहली कहो कि मारो गलो साथ नहीं दे रही है, नहीं तो मैं आपने दो तीन एक गीत सुनाओ, तो चार पंक्तियां देखो कि धोरा वाली धरती पे तरी तू मैर कर बाबा अब काले गीत भेद माल गाए दे। वाह, धोरा वाली धरती पे तरी तू मैर कर बाबा अब काले गीत मेघ माल गाए दे, बादली बरस मेट इन रीति रस इन धरती पे हरी हरी चुनर उठाए दे, खेजड़ी री साख भर मन विश्वास कर, खेजड़ी री साख भर मन विश्वास भर, मोरिया रे मन ने री प्रीत ने जगाए दे, काल रे बरस में सिदारे बाबा सिद्ध माने जीणो किण बिथ आए तुरो बताए दे, जीणो किण बिथ आए तुरो बताए दे,
ढोरा वाली धरती पे इतरी तू मैर कर, ऊंटा वाली धरती पे इतरी तू मैर कर, बाबा अब काड़गी तू भेद मान गाय दे, बादली बरस मेट इन रीति रस इन धरती पे हरी हरी चुनर उठाए दे। और मित्रों जब बाबा रामदेव से प्रार्थना करी कि इन धरती माते हरी हरी चुनर उठाए दो, तो राजस्थान में अकाल लो खत्म खात्मो हो और बरसात हुई और जमानो हो। उन टाइम में बाबा रामदेव से एक प्रार्थना और करी और मैं रानीवाड़ा की धरती रे जितना भी लोग अठे विराजमान है, जो मातृशक्ति विराजमान है, एक महत्वपूर्ण बात आपने कह जाऊँ कि अगर आपकी मायड भाषा ने संवैधानिक मान्यता नहीं मिली तो आप बहुत नुकसान वेला। आज इन्हें भले ही आप नहीं समझ रहा हो, लेकिन हर रानीवाड़ा रे नागरिक ने इन बात की कोशिश करनी चाहिए कि राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता मिले। और मैं चार पंक्तियाँ इन वास्ते देऊँ क्योंकि सीताराम जी लालच चुको राजस्थानी रो शब्दकोश लिखियो, उनमें 2.5 लाख शब्द है और वो विश्व की समस्त भाषाओं में सबसे मोटो ग्रंथ है। तो बाबा रामदेव से एक प्रार्थना और करी श्रवणदान सा स्वागत है कि काल ने सुकाल कर लाज रख ली नी बाबा, काल ने सुकाल कर लाज रख ली नी बाबा, एक मारी अर्जी पे ओरू ही विचार कर, काल ने सुकाल कर लाज रख ली नी बाबा, एक मारी अर्जी पे ओरू ही विचार कर, मारी मातृभाषा री संवैधानिक मान्यता रे सारू जी को काज करे वारा बेड़ा पार कर, भाषा वारे दीवले में आशा वारी जोत राख, भाषा वारे दीवले में आशा वारी जोत राख, लालस रे सुपुनारी अब काले सार कर, राजस्थानी ने संविधान सम्मान देवे काजो करे रे बाबा वारा बेड़ा पार कर, काजो करे रे बाबा वारा बेड़ा पार कर। तो मित्रों आज की ये रात आदरणीय मदन जी महेश्वरी और रानीवाड़ा के समस्त नागरिक और नवज्योति के संपादक कुमार प्रवीण जीएम साहब मुकुल जी गुप्ता और इन सबके सहयोग से जो ये शानदार आयोजन हुआ है, इस आयोजन में आप सबकी जो भागीदारी रही है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर कभी मेला जुटेगा और हम फिर रानीवाड़ा की धरती पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।